दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नासूर जिसे भारत बीसियों साल से झेल रहा है, जिसे पकड़ने या जिसका पता लगाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रात दिन एक कर रखा है। उस दाऊद इब्राहिम के नाम का पाउडर अपने चेहरे पर लगाकर चेहरा चमकाने की अद्भुत नौटंकी आज दिल्ली के करीब देखने को मिली, जब दाऊद के कथित कार की चिता जलाई गई और नारों के बीच पटाखों के बीच उस चिता को जलाया भी गया। जी हां, जब IBN 7 ने यह पूछा कि यह तो दाऊद की कार है या नहीं, तो इस नौटंकी का रचयिता बगले झांकते नजर आए। यह कार बाकायदा मुंबई में हुई नीलामी से खरीद कर दिल्ली लाई गई थी और दिल्ली से गाजियाबाद उसे कैमरों के सामने भस्म करने के लिए लाया गया। देखिए साहब, दाऊद के नाम पर रची गई यह सबसे बड़ी नौटंकी, दाऊद तो सिर्फ बहाना है, इन्हें तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। दाऊद का वीराने से कोई नाता नहीं है, वो पाकिस्तान में लोगों से घिरा रहता है, उसके इर्द गिर्द हर वक्त उसके गुर्गों का डेरा रहता है, लेकिन उसकी कथित कार और उस पर लगे पोस्टर को भस्म करने के लिए कुछ शूरवीरों ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद का वीराना चुना। पहले हवा में देशभक्ति का रस घोला गया, हाथों में तिरंगे थमाए गए, लहराए गए, यह है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर रची गई अद्भुत नौटंकी। यह है 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोगों की मौत के गुनहगार के नाम पर रची गई अनोखी नौटंकी। यह कबाड़ कार कुछ हजार रुपयों में मुंबई में नीलाम हुई थी, मुंबई से लाद कर बाकायदा गाजियाबाद के इस फॉर्म हाउस तक लाई गई। आप सोच रहे होंगे आखिर इसकी वजह क्या है, क्या था इसका मकसद। हिंदू सब महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, ये जो आपने भस्म किया है गाड़ी को, इसके पीछे क्या मकसद है। देखिए, इसके पीछे मकसद ये है, आपसी देश में भाईचारा, बोलिए बोलिए, देश में आपसी भाईचारा बने रहे, और दूसरी किसी भी तरीके से दहशतगर्दी और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में। सुना आपने, दाऊद की कथित कार को मुंबई से गाजियाबाद लाकर फूंकने का क्या मकसद है। मकसद ये है कि इन जनाब को दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं है। ये हैं स्वामी चक्रपाणी, हिंदू महासभा का चेहरा। ये दावा करते हैं कि उन्होंने मुंबई की नीलामी में हिस्सा लिया, उस नीलामी में जिसमें दाऊद इब्राहिम की एक दुकान नीलाम की गई। चर्चा थी कि दाऊद की कार भी नीलाम होगी। चक्रपाणी इसी चर्चा पर मुंबई जा पहुँचे और इस कबाड़ को पाने में पैसे खर्च कर दिए और फिर उस कार के अंतिम संस्कार का जलसा रखा गया गाजियाबाद में। देखिए चक्रपाणी के पहुंचने से पहले उनके समर्थक कैसे माहौल बनाते हैं। इतने अमीर डॉन दाऊद इब्राहिम की भला ऐसी होगी कार, नंबर प्लेट है नहीं, विंड स्क्रीन है नहीं, आगे की एक बत्ती है नहीं। सो देखिए किस तरह कार की चिता सजाई जा रही है। आसपास मंडराते कैमरों का खास ध्यान रखा गया है, कागज में पहले से लिखे नारे चीखे जा रहे हैं। मृत प्राय कार में सूखी लकड़ियां डाली गई हैं, और तो और दिवाली में बजाई जाने वाली लड़ियां भी कार के ऊपर सजाई गई हैं। शीशे की जगह चिपका है खुद दाऊद का पोस्टर। कार के ऊपर चढ़े हैं कई भीमकाय, बीच बीच में हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। कई लोग मोबाइल से दाऊद नाम के इस तमाशे का वीडियो बनाने में जुट गए। कार पर तेल उड़ेला जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार जलाने से पहले मोमबत्तियां जलेंगी। अरे मुंबई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी तो देनी है। श्रद्धांजलि देंगे, बम काट
हुए शहीदों को सबसे पहले बॉम्बे बमकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद स्वामी जी अपना अगला कार्य पूरा करेंगे जिस कार्य के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बस अब ये दाऊद के पोस्टर वाली चिता जलने को तैयार है। अब एंट्री होती है चक्रपाणी महाराज की। सफेद गाड़ियों का काफिला आता है और हवा में दोबारा नारे उछलने लगते हैं। ये क्या, चक्रपाणी जी के साथ टोपी लगाए मौलाना साहब भी हैं। ताबड़तोड़ उन्हें भी मालाएं पहना दी जाती हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने भी चक्रपाणी जी के गले में मालाएं रिटर्न कर दी। आपने ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी साथ में जोड़ा है, क्या मकसद है इसका? जी नहीं, हमारे मुस्लिम भाई हमारे देश के सब लोग हैं, सब लोग हम लोग मिल करके किसी भी तरीके से दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो क्योंकि आतंकवादी और दहशतगर्दियों का कोई जाति नहीं होती। फिर क्या था, चक्रपाणी जी अपने मुस्लिम चेहरों के साथ हाथ में मशाल थामे जैसे दाऊद के पोस्टर का काम तमाम करने आगे बढ़ते हैं। कार के सिर पर आग लगा दी जाती है, कार जलने लगती है और कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट फैलती जाती है। लड्डू बांटने का जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन ये जश्न काहे का है जब ये कार दाऊद इब्राहिम की है ही नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये गाड़ी दाऊद इब्राहिम की नहीं है, मतलब उनका नहीं, कहना तो साथ देखियो, साथ जो प्रॉपर्टी थे जो सरकार ने वो किया था, अब वो किसी के होके नहीं होता तो धमकी क्यों आता हमें? सवाल इस बात का, सुई उनको चुभाएंगे तो दर्द आपको क्यों होगा? तो सवाल कई प्रकार के अफवाह उड़ाए जाते हैं। ये जो थे दाऊद नहीं, वो दानव है बल्कि। और लेकिन गाड़ी 2000 में खरीदी गई है ये, और दाऊद इब्राहिम 93 में भाग चुके थे देश से, तो कैसे ये आपको लग रहा है? 85 में चला गया था, तो सवाल इस बात का है कि बाद में तो बम कांड हुआ, तो सवाल इस बात का, ऐसा नहीं होता। वो डी कंपनी होती है, उसकी कंपनी है जो कई लोगों से वो करते हैं, उनके गुर्गे हैं जिनके नाम से होती है गाड़ियां और इस प्रकार से। लेकिन जिन लोगों ने ऑक्शन किया उनका कहना कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस दिन ऑक्शन हुई थी, उसमें ये गाड़ी दाऊद की नहीं, वो प्रॉपर्टी तीन सिर्फ नहीं, 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 सिर्फ सात लोग, सात प्रॉपर्टी नीलाम हुई जो हमारे पास सूची है, और उसमें एक भी था। तो ये गाड़ी कैसे आप दावा कर सकते हैं कि डी कंपनी का ही? नहीं नहीं, वो हमने आतंकवाद और दहशतगर्दी पे जलाया। जी जी पर ये बयान अधूरा रह गया, लेकिन चक्रपाणी महाराज जो कहना चाह रहे थे वो शीशे की तरह साफ था। ये साफ हो चुका है कि जिस साल दाऊद इब्राहिम ने भारत छोड़ दिया था उस वक्त तक हुंडई एक्सेंट कार का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और जहाँ तक दाऊद का सवाल है तो वो तो कई और आलीशान गाड़ियाँ चलाता था, लेकिन मुंबई पुलिस के पास कबाड़ जैसी एक कार सालों से पड़ी थी। दाऊद की दुकान और दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ उसकी भी नीलामी हो गई, और बस ये नीलामी ही खबरों में आने का जुगाड़ बन गई। खबरों में आने और नाम चमकाने की हसरत पूरी कर गई ये कथित दाऊद की कार। चक्रपाणी महाराज बड़े गर्व से सीना तान कर ये भी बताते हैं कि इस कार को नीलामी में न खरीदने के लिए उन्हें धमकियां दी जा रही थी। उनका दावा है कि खुद डी कंपनी उन्हें धमका रही थी। भले ही कार की हालत देखकर ये नहीं लगता कि डॉन क्या किसी कबाड़ी को भी उससे किसी तरह का भावनात्मक लगाव हो सकता है, तो फिर दाऊद की कार की चिता सजाने और जलाने के पीछे क्या था? दाऊद के नाम पर यह सबसे बड़ी नौटंकी आखिर क्यों? क्या इस कथित कार की होली से दाऊद डर गया, या फिर चक्रपाणी महाराज चमक गए? गाजियाबाद से एहतिशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।